देखो हम सीरीज आज हम समझेंगे सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शंस को, ठीक है। प्रैक्टिकली ये आपका जो कनेक्शन है वो आपका सीरीज है। पहले एक ये टर्मिनल मैंने अलग ले लिया है, फिर इस टर्मिनल को हमने आगे टर्मिनल, फिर इसको इससे जोड़ा है। अब हम देखेंगे सीरीज में हम कनेक्शंस करने पर हमें क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या चीज़ होता है इसमें, ठीक है। तो मैंने इसके लिए जो है सीरीज में इसको जोड़ रहा हूँ मैं, ये जो है ये सीरीज कनेक्शन है। अब देखो इसमें ये दो बल्ब लगे हुए हैं, आप इसके वोल्टेज को हम देखेंगे हम, तो वोल्टेज इसमें क्योंकि ये 100 वाट का है और 100 वाट होने के बावजूद अगर इसका फिलामेंट देखें तो इसमें बहुत कम इसके वोल्टेज हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी बहुत कम है। पहला हम ये देखा, हमने इस चीज से ये सीखे कि वोल्टेज बहुत आते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं वोल्टेज काफी कम आ रहे हैं, तो सीरीज में एक डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहला डिसएडवांटेज है वोल्टेज। दूसरा चीज हम सीखेंगे सीरीज में यदि आपका एक अप्लायंस डैमेज हो जाए तो अदर जो होंगे वो वर्किंग नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें से एक ये निकाल दिया, ठीक है, अब ये दूसरा भी बंद हो गया, अब मैंने इसको ये लगा दिया। अब कोई सोच रहा हो कि भाई इसमें कुछ है तो मैं इसको निकाल देता हूं, देखिए मतलब ये जो है सीरीज में यदि वन अप्लायंस डैमेज हो गया तो अदर भी वर्किंग नहीं करेंगे। तो दो डिसएडवांटेज हम इसमें सीखे सीरीज में, कि एक तो क्या होगा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दूसरा वन अप्लायंस इज डैमेज नॉट वर्किंग। अब मैं इसी कनेक्शन को मैं पैरेलल में हम करते हैं। अच्छा इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि एक को मैं निकाल रहा हूं तो दूसरा बंद हो रहा है, तो हम इसमें ऑन ऑफ स्विच को भी हम सेपरेट नहीं लगा सकते। स्विच जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें ऑन ऑफ स्विच जो होते हैं वो आपके क्या होता है, एक ही ऑन ऑफ स्विच होता है। अब मैं इसी कनेक्शन को मैं क्या करता हूँ पैरेलल में करता हूँ, इसके वायर कनेक्शन दिखा दो, ये वायर कनेक्शन पहले ही दिखाया भैया, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मैं पैरेलल का ले रहा हूँ, तो पैरेलल में अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए मैं इसलिए सेम बल्ब लगा रहा हूं जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि आपने बल्ब चेंज कर लिए है, बल्ब चेंज कर लिए हैं तो अलग अलग चीज आ रही हो आपकी। आप देखिए वही बल्ब सेम, और अब आप देखिए इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो पैरेलल में जो वोल्टेज रहते हैं, पैरेलल में जो वोल्टेज आपके रहते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। वही बल्ब को हमने सीरीज में लगाया, उन्हीं बल्बों को हमने पैरेलल में लगाया, पैरेलल में हम देख रहे हैं इंटेंसिटी काफी अधिक है उसके कंपेयर। अब यदि हम इसमें से एक बल्ब निकाल देते हैं जैसे कि उसमें किया था, तो क्या होता है, क्या बंद हो जाता है या नहीं, आपका ही अब भी चल रहा है। इसका मतलब ये है पैरेलल में यदि एक अप्लायंस आपका डैमेज हो जाए या एक से अधिक डैमेज हो जाए तो अदर जो है वो बर्न करेंगे। अब देखिए मैंने इसको ये लगा दिया, मैंने इसको निकाल रहा हूं, काफी गर्म हो गया है, अब देखिए अब ये भी आपका देखो अभी जल रहा है। तो हम क्या, इससे हम ये सीखे पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहते हैं। पैरेलल में यदि वन और मोर अप्लायंस आर डैमेज देन अदर्स आर वर्किंग, उसमें वर्किंग करेंगे, ठीक है, ये इसका एडवांटेज। मैंने इसमें जो सेटअप बनाया है वो सिंपली एक ही में लगाया है, आप इसमें ऑन ऑफ स्विच जो है पैरेलल में सेपरेट लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो जो होते हैं सारे पैरेलल में होते हैं, इसी कारण से उनमें क्या होता है ऑन ऑफ स्विच जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर बाई चांस ऐसा होता कि हम घर में सारे अप्लायंसेज क्या लगाते हैं सीरीज में लगाते हैं, वो एक तो वोल्टेज बड़े तो आधे से हमें चमकते, पंखा ऐसे चल रहा होता घूम रहा होता है ना, एक आध सोचा रटने से घुमा लेते तो ऐसा कुछ नहीं। तो दूसरी बात जो है, और यदि एक अप्लायंस उसमें खराब हो जाता तो बाकी भी काम करना बंद कर देते। तो ये सीरीज और पैरेलल में हम डिफरेंस समझे और क्या किसका एडवांटेज, तो कौन सा बेनिफिशियल हुआ, पैरेलल जो है वो बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। चलिए